नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे हम OBS स्टूडियो के अंदर पोर्ट्रेट फॉर्म में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड या लाइव कर सकते हैं, यानी वर्टिकल फॉर्म में हम अपनी वीडियो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं OBS स्टूडियो के अंदर। पोर्ट्रेट वीडियो का फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्ट क्रिएट करनी है या इंस्टाग्राम रील के लिए कोई वीडियो आपको बनानी है, तो वो आप OBS स्टूडियो में बना सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा YouTube शॉर्ट्स के लिए भी इस तरह की वीडियो बहुत ही काम में आने वाली है। तो आइए सीखते हैं कि OBS स्टूडियो में हम वर्टिकल फॉर्म में यानी पोर्ट्रेट फॉर्म में वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने PC पर और OBS स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर वर्टिकल वीडियो लाइव या रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। उसके लिए आपको सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करना है। सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर आप देख रहे हो यहाँ आ रहा है बेस रेजोल्यूशन। बेस रेजोल्यूशन हमारा इस समय है 1920x1080p। तो आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है, यानी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो हमें कर देना है 916। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1080x920। उल्टा कर देते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पर हमने जो एस्पेक्ट रेशियो है वो उलट कर दिया, यानी अब हमारा एस्पेक्ट रेशियो हो गया 916, जो हम Instagram या फिर YouTube Shorts के लिए यूज़ करते हैं वो वाला एस्पेक्ट रेशियो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो आउटपुट, तो आउटपुट वाला जो ऑप्शन है ये भी हमें सेम कर देना है। यहाँ पर भी मैं सेम कर देता हूँ, सेम हमने यहाँ पर भी इसको कर दिया, आउटपुट हमारा ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपको बस अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई कर दीजिए, ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हो हमारा OBS स्टूडियो यहाँ हो चुका है वर्टिकल फॉर्म में। अब यहाँ पर हम जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपना वेबकैम ऐड करना है, वेबकैम ऐड कर सकते हो। कुछ भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपना वेबकैम ऐड कर देता हूँ, प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ Cam 2, कोई भी नाम आप दे सकते हो। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा वेबकैम यहाँ शो होने लगा है, C922 Pro Steam वेबकैम हमारा यहाँ पर शो होने लगा है। और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, अब हमारा वेबकैम यहाँ पर आ चुका है। आप देख रहे हो वेबकैम हमारा यहाँ आ गया। अब आपको इस ब्लैक वाली स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप अगर इसको आप बड़ा करना चाहो तो इस तरह से आप लगा सकते हो, ये हमारा पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा, जो हमारी वर्टिकल स्क्रीन है। वर्टिकल स्क्रीन पर इस तरह से हम दिखाई देने लगेंगे। तो आप चाहो तो इसे छोटा भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं अपना जो वेबकैम है, वेबकैम को मैं यहाँ पर नीचे की तरफ सेट कर देता हूँ और उसके बाद ऊपर वाला जो पोर्शन है, या मान लीजिए कैमरे को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, वेबकैम मैंने यहाँ ऊपर की साइड लगा दिया और नीचे की साइड मैं कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह मुझे देनी है या फिर कोई दूसरी वीडियो यहाँ पर शो करनी है, कुछ भी मुझे यहाँ दिखाना है, मान लीजिए मुझे अपना गेम लाइव दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, वो मैं यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में ऐड कर सकता हूँ। तरह से आप देख रहे हो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर इस तरह के वर्टिकल फॉर्म में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहां पर आप देख रहे हो मैंने ऊपर हमारा वेबकैम आ रहा है, नीचे मैंने यहां पर गेम अपना लगा रखा है और जो नीचे पोर्शन है यहां पर आप कोई भी टेक्स्ट, लोगो वगैरह कुछ भी आप लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो। और उसके बाद आप इंस्टाग्राम रील पर इसे अपलोड करना चाहो कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आप इस तरह से वीडियो क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारा यूजफुल काम आप इससे कर सकते हो। गेम की जगह आप अगर कोई क्लास वगैरह लेना चाहते हो, कोई भी आप प्रेजेंटेशन वगैरह यहां पर शो करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसे आप चाहो ऊपर की तरफ भी रख सकते हो, आप कैमरे को कहीं पर भी इस तरह से भी आप सेट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यहां पर सेटिंग कर सकते हो। तो मैं आपको इसे रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूं, रिकॉर्ड करने के बाद ये कैसा लगेगा। तो यहां पर हम कर देते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं और अब ये हमारी वीडियो यहां पर रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप OBS स्टूडियो के अंदर वर्टिकल फॉर्म में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड या लाइव कर सकते हो, पोर्ट्रेट फॉर्म में लाइव या रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।